अंडरग्राउंड गोल्डन हाउस। एक गांव में सोना बाबू नाम का एक लालची आदमी रहता था। उसे सोना बहुत पसंद था। एक दिन सोना बाबू अपने दोनों हाथों में 10 सोने की अंगूठियां, गले में मोटे मोटे सोने के चैन पहनकर दीवार पर टंगी अपने दादाजी के फोटो के पास गया। तब फोटो में उसके दादाजी, हे भगवान, कोई पाप करे तो कन्फेशन के लिए चर्च में पादरी के पास जाता है, पर ये लालच में गलती पे गलती करते हुए इसके पूर्वज होने के पाप के लिए मेरे पास आकर मुझसे कहकर मेरी आत्मा का भी शांति छीन लेता है। यूं उसने सोचा। सोना बाबू विनय पूर्वक अपने दादाजी के पास आकर दादाजी को प्रणाम। दादाजी, आपको फिर से मुझे पाप के लिए माफ करने का समय आ गया है। आपने जो 100 एकड़ जमीन ट्रस्ट के नाम पर किया था, वो सारा बेचकर उसे सोने में बदलकर मैंने छिपा दिया है। आपके दादाजी के जमाने के वो जमीन को बेचने के लिए क्षमा करें। अरे क्षमा नहीं करेगा तो और क्या करेगा ये फोटो पर टंगे बुढ़े, कहकर वहाँ से चला गया। तब फोटो में दादाजी, अरे कमीने, तेरे इस सोने की लालच ने तेरे से क्या काम करा दिया है। अरे गांव वालों के लिए बनाए गए स्कूल, मंदिर, अस्पताल का मेंटेनेंस इसी जमीन से होने वाली आमदनी से होती थी और तुमने वही जमीन बेच डाला। तेरे लालच अब चरम सीमा पर पहुंच गया है, कहकर उसे श्राप दिया। सोना बाबू अपने तन पर सोना पहनकर गलियों में घूमता हुआ जा रहा था। सब उसको और उसके तन पर लगे सोने को देखकर हैरान होते थे। वाह, 1 किलो सोना सिर्फ मंदिर में भगवान के तन पर और यहाँ मेरे तन पर लगा रहता है, ये सोचते हुए ही मुझे गर्व महसूस होता है, यूं मन में सोचने लगा। एक बार विजिलेंस ऑफिसर ठाकुर के पास पुलिस इंस्पेक्टर विजय आया और, ठाकुर साहब, सोना बाबू ने अपने बाप दादा द्वारा ट्रस्ट को दी गई जमीन को गैर कानूनी तौर पर बेच डाला है और भारी मात्रा में सोना खरीदा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सारा सोना उसने कहाँ छिपाया है। आप तहकीकात करके उस सोने का पता लगाकर ट्रस्ट को सौंपना होगा, कहकर विनती की। अगले दिन सोना बाबू सड़क पर जा रहा था कि विजिलेंस ऑफिसर ठाकुर अपने स्टाफ के साथ आकर उसे रोककर, देखो सोना बाबू, हम विजिलेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं, तुम्हारे बदन पर जो सोना है उसे हमें तोलना है, उन्हें उतार कर हमें दो। सोना का वजन चाहे कितना भी क्यों ना हो, मैं ही उठा रहा हूँ ना, इसे क्या परेशानी है। यूं मन में सोचकर एक एक सोने का गहना उतार कर देने लगा। इतने में वहाँ से गुजर रहे एक व्यक्ति सोना बाबू के पास आया और उसके कान में, देखो भैया, गवर्नमेंट रूल के मुताबिक एक व्यक्ति सिर्फ 1 किलो सोना बदन पर पहन सकता है, तुम तुरंत एक अंगूठी दूर फेंक दो और बाकी गहने उन्हें दे दो, तभी तुम और तुम्हारा सोना सेफ होगा। पता नहीं ये है कौन, पर लगता है कि भगवान का दूत है जो सही समय पर आकर सही सलाह दे रहा है। अब एक अंगूठी कम करना होगा, कैसे करूं, यूं सोचने लगा। वैसे भी सोना मैं कैसे फेंक सकता हूं, यूं सोचकर, हाँ एक काम करता हूँ, अंगूठी को मुंह में डालकर निगल जाता हूँ, तब सोना मेरे पेट में पहुँच जाएगा और सुरक्षित होगा, कल सवेरे बाहर निकलेगा, फिर निकाल लूंगा। यूं मन में सोचकर एक अंगूठी को निगल गया, बाकी सारा सोना ठाकुर को दिया। ठाकुर ने सारा सोना तोलकर देखा तो 920 ग्राम थी। सॉरी सोना बाबू, हमें गलत सूचना मिली कि तुम्हारे तन में 1 किलो से ज्यादा सोना है, तुम्हारे पास 1 किलो से कम सोना है, ये लो तुम्हारे गहने, कहकर सारा सोना सोना बाबू को देकर वे वहां से चले गए। तब जिस व्यक्ति ने उसे सलाह दिया उससे, सोना बाबू, तुमने सही समय पर मुझे सलाह देकर मेरा सोना बचाया, थैंक यू वेरी मच। साहब, मेरा नाम किशन है, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे आप कोई नौकरी दिला दीजिए। अरे इतना होशियार हो तो तुम्हें मेरा पीए होना चाहिए, यूं मन में सोचकर, ओके किशन, तुम मेरे पीए बनो, कहकर उसे नौकरी दी। एक दिन सोना बाबू अपने पुरानी हवेली में बैठकर किशन से, किशन तुम अपनी होशियारी का प्रयोग करके मुझे एक सलाह दो, मेरे पास बहुत भारी मात्रा में सोना है पर उसे सरकार की नजरों से बचाकर अलग अलग जगह पर छिपा कर रखा है, इसलिए मैं उसका आनंद नहीं ले पा रहा हूँ। विजिलेंस वाले तो मेरे तन पर जो सोना 1 किलो का है वो भी ले जाना चाहते हैं। अब तुम ही कोई उपाय बताओ जिससे मैं वो सारा सोना का आनंद ले सकूं। देखिए मालिक, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, आपने तो सोना अलग अलग जगह पर छिपाया है ना,
उसे लाकर अपने हवेली के नीचे अंडरग्राउंड में एक गोल्डन हाउस बनाइए। उस गोल्डन हाउस में सारे सामान सोने का ही बनवाइए। इस तरह आप सारा सोना का आनंद उठा सकते हैं। और खास बात ये है कि गोल्डन हाउस अंडरग्राउंड में है तो सरकार को पता भी नहीं चलेगा और वो सुरक्षित भी रहेगा। तब सोना बाबू ने जो सोना छिपा कर रखा था उसे लाकर हवेली के एक कमरे में रखा। वहाँ से एक सुरंग खोद कर अंडरग्राउंड गोल्डन हाउस बनवाया। उस गोल्डन हाउस में सोने का सोफा, सोने के पलंग, सोने का फ्रिज, यूं सब कुछ सोने का बनवाया। उसे देखकर वाह, यूं सोने का घर और सोने के वस्तुओं को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, यूं मन में सोचकर सोने के पलंग पर लेटा। तभी विजिलेंस ऑफिसर ठाकुर, इंस्पेक्टर विजय और कई पुलिस वाले गोल्डन हाउस में आए। उन्हें देखकर सोना बाबू, ये विजिलेंस ऑफिसर कहाँ से आया? इतना सारा सोने का कैसे हिसाब दूं? अब सलाह देने के लिए किशन भी तो नहीं है यहाँ, वो गया कहाँ? कहकर किशन, ओ किशन कहकर बुलाने लगा। किशन पुलिस की वर्दी में वहाँ आया और ठाकुर साहब को सल्यूट मारा। क्यों सोना बाबू, झटका लगा? तुम्हारे छिपाए गए सोने को बाहर निकालने के लिए किशन के साथ मिलकर हमने ही ये अंडरकवर ऑपरेशन किया था, अब तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते। ठाकुर साहब, मेरे दादा परदादा बड़े जमींदार थे, सोना हमारे दादाजी के जमाने का है, ये हमारे परिवार का धरोहर है, आप इसे नहीं ले जा सकते। सोना बाबू, एक बात याद रखिए, गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक अगर ये सोना आपके हवेली में होता तो हम हाथ नहीं लगा सकते, पर जमीन के नीचे जो भी हो वो सरकार की संपत्ति है, इसीलिए हमने ऐसा प्लान किया था कि आप सारा सोना अपने आप जमीन के नीचे लाकर रखें। अब ये गोल्डन हाउस सरकारी संपत्ति है, साथ साथ आपके तन पर जो एक किलो सोना है उसे भी हम जब्त करते हैं। इतना ही नहीं, आपके दादाजी का बनाया हुआ स्कूल, मंदिर, अस्पताल के लिए बनाए गए ट्रस्ट, वो भी सरकार के अधीन ही आएगी। अब एक बात है, आपकी ये जो पुरानी हवेली है वो आपके पास ही रहेगी। यूं रंगे हाथ पकड़े जाने पर सोना बाबू अपने बदन से सारा सोना उतार कर ठाकुर को सौंप दिया। अब सोना बाबू के हवेली पर यूं निराश होकर बैठा हुआ था, उसे देखकर उसके दादाजी, शुक्र है इसके लालच का अंत हुआ, मेरा ट्रस्ट बच गया। फेस लॉलीपॉप। एक गांव में रंगाराम नाम का एक व्यक्ति लॉलीपॉप बेचता हुआ गुजारा करता था। लॉलीपॉप लॉलीपॉप, रंग बिरंगे लॉलीपॉप, मीठे मीठे लॉलीपॉप, अरे खट्टे मीठे लॉलीपॉप, आइए भाई आइए, कह के बेचता था। उसके बेटे का नाम था गंगाराम। उसे तस्वीरें बनाने का बहुत शौक था। गांव में जहां भी उसे सफेद दीवार दिखाई देता तो वहां वो तस्वीर बनाने लगता। एक दिन पिताजी, बेटा अब मुझसे ये धंधा नहीं हो पाएगा, मैं आराम करना चाहता हूँ, कृपा करके कल से तुम ये धंधा संभालो बेटा, नहीं तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, तुम छोटे हो पर तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज बेटे। इस तरह बेचारा वो मान गया और अगले दिन से लॉलीपॉप चटपटा लॉलीपॉप खट्टा मीठा लॉलीपॉप कहकर बेचने लगा। एक दिन, ये क्या जिंदगी है, इस लॉलीपॉप के चक्कर में मेरा तस्वीर बनाना बंद हो गया है, ऊपर से इस धंधे में ज्यादा कमाई भी तो नहीं है, कुछ नया सोचना होगा। बाद में उसने अपने गाड़ी पर फेस लॉलीपॉप डिजाइन ₹500 ओनली कहकर एक बोर्ड लटकाया। लोग उसे देखकर हैरान हो गए। वो अपने पास आए लोगों के चेहरे को फूड कलर से लॉलीपॉप पर उतारने लगा। वो उन्हें देता तो वे हैरान होते थे, शाबाश गंगाराम, बहुत बढ़िया बनाया है, बिल्कुल मेरे चेहरे जैसा ही है, ये लो पैसे कहकर उसे पैसे देते थे। इसी तरह बच्चे अपने चेहरा बनवा कर उसे पैसे देते थे, बड़े भी लाइन में खड़े होकर तस्वीर बनवाते थे। इस तरह उसे खूब पैसे मिलने लगे। एक बार लाला नाम का एक व्यक्ति वहां आकर फोन पर बातें करने लगा। उसे देखकर गंगाराम लॉलीपॉप पर उसकी तस्वीर बनाने लगा। उसके फोन काटने के बाद गंगाराम उसे लॉलीपॉप देकर, देखे सर तस्वीर कितनी अच्छी बनी है, आप हिल रहे थे, नहीं तो और अच्छा बनाता, पैसे दीजिए सर। पैसे? कैसे पैसे, ये तुमने किससे पूछकर मेरी तस्वीर बनाई है, या मैंने तुमसे कहा था कि मेरी तस्वीर बनाओ,
निकम्मे, ये क्या तस्वीर है? ये बोर्ड क्या है? टेस्ट लॉलीपॉप ड्राइंग, ओनली रुपीज 500। लगता है इस गांव वालों को और कोई काम नहीं है, इसीलिए तुम जैसे नालायकों का धंधा अच्छा चल रहा है। ये पकड़ो तुम्हारा फालतू लॉलीपॉप, कहकर उसकी ओर फेंका। उसने उसे कैच पकड़ा और दंग होकर उसे देखने लगा। इतने में एक बच्ची वहाँ आई। वो बच्ची, चाचा मुझे जल्दी लॉलीपॉप चाहिए, उसमें कोई तस्वीर नहीं चाहिए, साधारण सा लॉलीपॉप दीजिए। ठीक है बेटे, ये लो ये खाओ, इसमें तस्वीर तो है पर मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें ये मुफ्त में दे रहा हूँ, कहकर उसे लॉलीपॉप दिया। वो लॉलीपॉप लेकर बच्ची अपने घर चली गई। पिताजी को वो लॉलीपॉप दिखाते हुए, गंगाराम चाचा ने मुझे ये मुफ्त में दिया है, गंगाराम चाचा बहुत अच्छे हैं ना, कहकर वो लॉलीपॉप दिखाया। उसे देखकर एसआई चौंक गया। तुरंत गंगाराम से मिला और, गंगा तस्वीर में ये जो है वो एक बड़ा क्रिमिनल है, उसने करोड़ों रुपए चुराए हैं, तुमने इसे कब देखा? वो अभी अभी यहीं पर खड़ा था, किसी से फोन पर बात कर रहा था, मैंने सोचा कि वो तस्वीर बनवाना चाहता है और मैंने उसकी तस्वीर बनवाई, पर उसने मुझे डांटा और लॉलीपॉप मेरे मुंह पर मारकर चला गया। ऐसे ही इधर उधर देखने लगा, तब उसे वहाँ एक बैंक के एटीएम पर लगा सीसीटीवी कैमरा दिखाई दिया। स्टेशन पर आकर उसके फुटेज को जांचने लगा। उसने लाला को एक कार में जाते हुए देखा, उसने उस कार का नंबर नोट किया। तुरंत एसआई ने वॉकी टॉकी पर सारे स्टेशनों को अलर्ट किया। हेलो हेलो, एसआई महेंद्र सिंह स्पीकिंग, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जिस कार में घूम रहा है वो फोटो मैंने भेजा है, अलर्ट अलर्ट, यूं कहने लगा। यूं एक चेकपोस्ट पर उसके कार को पुलिस ने रोका। लाला बिना कार से नीचे उतरे। ए, मुझे क्यों रोका है? जानते हो मैं कौन हूँ? जानते हो मेरी पहुँच कहाँ तक है? मेरा लाइसेंस है और कार के सारे कागज हैं, सब ठीक हैं। तुम्हें क्या चाहिए? चुपचाप रास्ते से हटो, नहीं तो मिनिस्टर को फोन लगाऊंगा, खबरदार, कहकर उसे धमकाने लगा। तब ऐसे महेंद्र सिंह, आप कौन है ये जाने बिना आपको क्यों रोकेंगे सर? आप क्रिमिनल्स के सरदार हैं। लाला जी, क्या इतना भी हम नहीं जानते? कार से उतरिए सर, बाद में पुलिस ने तलाशी ली तो कार में पैसे और सोना मिला। पुलिस ने उसे पकड़कर खूब मारा, बाद में वो मान गया कि वो लाला है, फिर पुलिस ने उसे जेल में डाला। उसके बाद पुलिस ने गंगाराम का सम्मान किया। ये देखकर सबने ताली बजाई और उसके माँ बाप बहुत खुश हुए।